<laughs> बेरोजगार <、、त्त्ति> <waffle un> <whistles> <bag> आज की जो वीडियो है वो हम बनाएंगे एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था वो लोग जा रहे हैं एप्पल के बाग में उनको वहाँ पे बनाना है तोश एंड आई डोंट नो आपकी एरियाज की लोकल लैंग्वेज में इस चीज को क्या बताते होंगे हमारे यहाँ इसको तोश बोलते हैं जैसे कि लास्ट टू थ्री फोर इयर्स से जो एप्पल की खेती है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रही जितना एप्पल का कल्टिवेशन होता था हमारे एरिया में उतना नहीं हो पा रहा खासकर नॉर्थ कश्मीर में क्योंकि लास्ट थ्री फोर ईयर से ये जो अप्रैल और मार्च के मंथ्स थे काफ़ी ठंडे रहे हैं इवन कि बर्फ़ भी गिरी थी तो उसकी वजह से जो एप्पल की खेती नहीं हो पाई प्रॉपर पॉलीनेशन का भी मसला हो गया पॉलिनेशन नहीं हो पाई अच्छी तरह से और इस बार जो है मौसम ठीक रहा और सबको उम्मीद है कि एप्पल की खेती इस बार अच्छी होने वाली है और उस चीज़ में ऐड करने के लिए जो लोग हैं उनके कुछ लोगों के ऐसे बिलीव्स आई डोंट नो वैदर इट्स राइट और रॉन्ग कि बाग में जाके एप्पल के बाग में जाके वो लोग करते हैं कुछ बनाते हैं काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ कि वो चढ़ावा काइंड ऑफ हो जाता है ये तो अल्लाह की नज़र करते हैं सो दैट कि अल्लाह बरकत करेगा माल में आई डोंट नो इन इस्लाम इसकी कोई जगह है आई डोंट थिंक सो तो वो चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर जो आलिम दीन है उनको पता होगी तो आज हम आप, आपको दिखाएंगे कि ये तो कैसे बनता है और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपके एरियाज़ में ये चीज़ बनती है और अगर बनती है तो इस चीज़ को आपके एरियाज़ में क्या बोलते हैं सामान लेके जैसे कि लकड़ियाँ वगैरह और जो भी बर्तन यूज़ होंगे वो सब लेके जा रहे हैं सेब के बाग में मतलब पर्टिकुलर जो इनका बाग है वहाँ पे ये बनाया जाएगा सब कुछ तो लकड़ियाँ भी हैं हमारे पास और बाकी जो बर्तन वगैरह हैं वो भी आ गए हैं और जहाँ पे हमें चूल्हा चलाना है उसके लिए भी जगह तैयार की जा रही है ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़मीन को खोद के इसके अंदर पत्थर वत्थर लगा के फिर ऊपर लकड़ियाँ जलेंगी और फिर उसके ऊपर पतीला पैन जो भी रहेगा वो चढ़ाया जाएगा और so फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बाग में और यहाँ पे अब बनेगा तोशा और आई डोंट नो हाफ की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते होंगे आई मीन आपके रीजन में इसको क्या बोलते होंगे हमारे यहाँ तोश बोलते हैं और इसका बनाने का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं सो वीडियो के एंड तक बने रहें चूल्हा हमारा रेडी हो गया और आग भी लग गई इसमें और इसी के ऊपर हम कुकिंग का सारा कुछ प्रोसीजर जो भी रहेगा इसी के ऊपर हो जाएगा वो और फिलहाल तो इसमें हम पतीला रख रहे हैं इसके ऊपर और उसमें पानी रहेगा उबालने के लिए और फिर ये पानी आगे यूज़ जहाँ पे भी होगा वो हम आपको दिखा देंगे पानी जो हमने गर्म किया था वो अभी यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमें आटा डाल रहे हैं इसमें मैदा और ये मैदा फिलहाल हमारे पास करीब करीब दो के जी का है टोटल और अभी इसमें ऑलमोस्ट एक के जी डाला होगा इसको प्रॉपर गूंदा जाएगा और गूंधने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा बचा था हमारे पास मैदा वो इसमें डलेगा जैसे कि अभी ये डाल रहे हैं इसमें और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे नारियल हो या काजू किशमिश जो भी और वो सब भी इसमें ऐड होंगे आटा गूँधने के बाद इसके डो बनेंगे और नॉर्मल रोटी से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के डो बनते हैं इसके क्योंकि इसमें जो रोटी बनेगी वो काफ़ी बड़े साइज़ की होगी फिर आगे उसको बारीक काट के उसमें घी वग़ैरह मिक्स कर दिया जाता है वो सब चीज़ें हम आपको आगे दिखा देंगे अभी आप ये देख भी सकते होंगे कि काफ़ी बड़े साइज़ के डो बन रहे हैं इसके ये आपके सामने है ये बन रही बनी है हमारी रोटी और ये काफ़ी नॉर्मल रोटी से तो काफ़ी बड़े साइज़ की रोटी है ये एक आदमी तो नॉर्मल इस रोटी को खा नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएगी है काफ़ी बड़ी रोटी है रोटियां हमारी रेडी होने के बाद ये घी रख दिया हमने यहाँ पे पिघलने को क्योंकि ये आगे यूज़ होगा और रोटियों को ऐसे बारीक बारीक काटा जाएगा बहुत ज़्यादा बारीक क्योंकि ये भी यूज़ करना है हमने आगे सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स चीनी वगैरह हमने रखे थे वो सब इन रोटियों के साथ मिक्स किए जाएंगे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो और इसके बाद इसमें घी ऐड किया जाएगा और बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर बनेगा इसका अच्छा मिक्सचर बनाया जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है घी के साथ इन सबको और एंड पे ये बनेगा हमारा इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनती है और इस टाइप का एक एंड प्रोडक्ट आता है हमारे सामने

डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपके एरिया में इस चीज़ को क्या बोलते हैं और अगरों में ट्राई करें एक बार इसको बनाकर काफ़ी अच्छा टेस्ट था मैंने अफ्तारी के बाद उसको खाकर देखा था काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टाटा